नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। आइए आज की खास खबर पर नजर डालते हैं। रामनगरी में बाढ़ का खतरा तो खत्म हो गया, लेकिन अब कटान की जद में आने को लेकर नदियों के किनारे बसे गांव के लोग काफी परेशान हैं। दरअसल पानी का बहाव बढ़ने के साथ जल स्तर बढ़ गया था, जिससे सब कुछ डूब जाने का खतरा बना हुआ था। लेकिन ये समस्या टली तो अब कटान की जद में आने का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि दो दिन पहले सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर था, लेकिन खतरे के निशान से केवल 5 सेंटीमीटर ऊपर है, यानी 11 सेंटीमीटर जलस्तर घट गया है। जलस्तर घटने से जगह जगह कटान शुरू हो गई है। यह हाल अयोध्या जनपद के अकेले डेमवा घाट के किनारे बसे लोगों का ही नहीं है, बल्कि बिल्लहार घाट के किनारे भी ऐसे कई गांव हैं जो नदी के कछार में बसे हैं। इन सभी गांवों में कटान का खतरा उत्पन्न हो गया है। वहीं गांव के ग्रामीण ने बताया कि यह कटान लगभग 25 दिन से हो रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। केवल लेखपाल और तहसीलदार आए थे और SDM आए थे और देख कर चले गए। उन्होंने यही कहा कि घर खाली कर दो और स्कूल में रहो। उनका कहना है कि वे अपना घर छोड़कर कहां जाए। वहीं केंद्रीय जल आयोग की माने तो नेपाल से छोड़े गए पानी और पहाड़ों पर ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो बैराज है वहीं बारिश के पानी को रोक नहीं पाया है। अचानक से उनको पानी छोड़ना पड़ा, इस वजह से सरयू का जल स्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने खतरे के निशान को देखते हुए लोगों को अलर्ट किया है। जहां जहां पर लोगों को समस्या हो रही है, उनकी समस्या का समाधान किया जा रहा है और उनको राहत सामग्री पहुंचाया जा रहा है। अयोध्या से अमित कुमार की रिपोर्ट। उसमें